थोड़ा गुस्सा रहना चाहिए, जो समझते हैं भाई जी थोड़ा गुस्सा रहना चाहिए वो आप उठाओ देखो, नहीं तो बच्चे सिर पर बैठ जाएंगे। थोड़ा गुस्सा तो दिखाने के लिए तो करना चाहिए, करना चाहिए भाई बताओ, दिखाने के लिए तो गुस्सा करना चाहिए ना। माता जी कहती करना चाहिए, करना चाहिए। जैसे हाथी का दिखाने वाले हाथ अलग है, दांत खाने वाला दांत अलग है, दिखाने के लिए गुस्सा करो तो चलेगा? दिखाना गुस्सा तो आपने किया ना, वो रिकॉर्ड हो गया, रिकॉर्ड हर कर्म, पहले जवाब दिया मैंने, हर कर्म रिकॉर्ड होता है, जो रिकॉर्ड हुआ उसको कोई नहीं मिटा सकता है। भगवान भी सामने खड़ा हो जाए वो भी मिटा नहीं सकता है। अगर आपको चाहिए तो मैं एक दृष्टांत बताता हूं महाभारत के अंदर। देखो महाभारत में इंद्र सभा, सबके बीच में भीष्म पितामह बैठे हैं, पांचों पति पांडव बैठे हैं, सबके बीच में द्रौपदी का वस्त्र हरण कर रहा है दुशासन। किसी परिवार वाले ने उठकर द्रौपदी को मदद किया? पांचों पांडव उठे, भीष्म पितामह था वो उठे, कुछ नहीं किया। चलो द्रौपदी ने चिल्लाया नहीं, भगवान को याद किया, भगवान श्री कृष्ण भी आए, उसने द्रौपदी को वस्त्र दिया, दुशासन को रोका। थोड़ा सोचो, नहीं रोकना चाहता, नहीं रुकना चाहता, रुकना चाहता ना, क्यों नहीं रोका? दुशासन तो साड़ी खींच ही रहा है, भगवान दे रहा है, तो दुशासन को रोकना नहीं चाहता। हाँ परिवार वाला ने नहीं रोका, भगवान आया उसने तो रोकना चाहिए ना, कि नहीं रोकना चाहिए? कभी सोचा आपने? महाभारत सुनते हैं आप, ये सुनने की कहानी नहीं है, यहां भी ऐसे सुन करके चुप बैठो नहीं, सोचो, बुद्धि दी है, सुनने से कुछ भी नहीं होगा। 10 साल सुना, सुनने के बाद कुछ समझ में आना चाहिए तो आचरण में आएगा। लिस्टिंग रीडिंग इज नॉट एवरीथिंग, 10 दफा पढ़ो 10 दफा सुनो कुछ नहीं होगा, समझ में क्या आया?